व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज इसकेश ठाकुर और आज का टाइटल है ये जो आपको शीर्ष हो रहा होगा। तो गाइस सच सच बताऊँ ना, मैंने जो एक साल पहले जो गलतियाँ करी थी, मैं नहीं चाहता कि वो लोग आप भी करो। यानी मुझे एक ड्रेसिंग सेंस का कुछ नहीं आता, यानी जीरो सेंस ऑफ स्टाइल मुझे कुछ नहीं आता था भाई। तो मैं नहीं चाहता कि वो मिस्टेक आप भी करो, तो इसलिए मैं ये अपनी मिस्टेक की वीडियो लाया हूँ जिससे आप अपना स्टाइल हर एक चीज़ इम्प्रूव करो। मेरी जंगली दाढ़ी पर ये बाल इतने बड़े बड़े लग रहे हैं ना, ये यहाँ से इतने बड़े बड़े, इन सब पे मत जाना गाइस, क्योंकि बाल वाली की दुकान पर पता नहीं, तुम्हें पता तो पता ही है लॉकडाउन चल रहा है गाइस। जैसे लॉकडाउन खुलेगा मैं सबसे पहले यही कटवाऊंगा, फिर मुझे भी स्टाइलिश दिखना है यार, मैं आपको बताऊंगा। इसलिए अभी तक मैं ये सोचता था कि हम ब्रांड के कपड़े पहनने से हम स्मार्ट लुकिंग डैशिंग यानी कतई जहर लगते हैं, हमारी लैंग्वेज में होता कतई जहर लगते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर और अब मैं आपको सही बताऊँ ना, तो मैंने अपनी सारी मिस्टेक को बताया है जो आप कभी फॉलो मत करना गाइज। तो प्लीज़ आप इस वीडियो जुड़े रहें हमारे इस प्यारे इंट्रो के बाद। पहली मिस्टेक है नॉट केयर अबाउट योर शूज़। हाँ गाइज सही सुना आपने, शूज़। गाइज आप मानो या मत मानो, बट एक शूज़ यानी जूता सामने वाले की पर्सनैलिटी है और उसकी हर एक चीज़ बता सकता है कि हाँ भाई वो अंदर कैसा है, वो कैसा रहता है, डर्टी में रहता है या फिर एकदम अच्छे काइंड में रहता है। गाइज देखो, मैंने देखा है कि शूज़ में बहुत वैरायटी वैरायटी चल रही है, सब मरते हैं ब्रांड के लिए। गाइज ब्रांड में क्या रखा भाई, ब्रांड में क्यों जाना है हमें, तुम ये बताओ पहले। ब्रांड में जाए करेंगे क्या, ब्रांड हमें क्या, ब्रांड माना हमें, ब्रांड हम बता सकते हैं 50 लोगों को भाई मैंने गुची के शूज़ पहने, गुची के भाई गुची के शूज़ क्या पहन के, जब हमारी औकात के बाहर है वो, हमने बनाया मिडिल क्लास अपनी टीनेजर के लिए। अब भाई हमने, हम पे नहीं अफोर्ड होता, हम पे पैसा नहीं है इतना, हम क्यों खरीदेंगे। इसलिए भाई हम खरीदने वाले हैं 1000 रुपये के, इसलिए भाई शूज़ उतने खरीदो जितनी हमारी औकात हो, और शूज़ की केयर करो भाई, उसे हर टाइम धोया करो, उसे बहुत केयर करो। मैं भी पहले केयर नहीं करता था भाई, सामने वाला सोचता था ये तो सही है अपना, फिर निकल आते हैं। हमारी मिस्टेक नंबर 2 की तो बढ़ते हैं, हमारी मिस्टेक नंबर 2 है स्पेंड टू मच मनी इन सनग्लासेस। यस गाइस सनग्लासेस, मैंने आजकल ये ट्रेंड देखा है टिकटॉक की, वैसे टिकटॉक छप रही होगी, वैसे मैंने देखा है कि भाई कि सबको सनग्लास चाहिए। मेरा एक दोस्त है, मैं खुद अपनी लाइफ में बताऊँ, मेरा एक दोस्त है 7 चश्मे के पास, 1000-1000 रुपये। अब बताओ 7000 रुपये पानी में गाइज, इतना पैसा सनग्लासेस पे क्या यार भाई, सनग्लासेस छतरी भाई, टिकटॉक बना रहे हो क्या, बना रहे हो तुम, क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो भाई, मत करो पैसा वेस्ट। पैसा भाई घर वाले बड़े मेहनत कमा के दे रहे हैं भाई, खुद भी कमाओ जब पता चलेगा भाई कितना। सनग्लासेस के साथ साथ ए सनग्लासेस तो अच्छा 200-300 वाले ले लो यार, जरूरी छोड़ना। इसलिए गाइज ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैं भी बहुत करता था पहले, मैंने मेरे पे भी 4-4 है मैं। गाइज बढ़ते हैं अपनी मिस्टेक नंबर 3 के साथ, और ये मिस्टेक भाई ज़्यादातर लोग करते हैं भाई। तो मिस्टेक है ये कि डू नॉट वियर पेंट इन योर बम। मैंने देखा भाई ज़्यादातर जितने भी है ना भाई, कितने लोग को देखा भाई एकदम पैंट नीचे को ठोस देंगे, यहाँ को ना, यहाँ को नीचे को भाई, बहुत अच्छा लगता है, छपरी लगते हो, कुत्ते लगते हो भाई बहुत बड़े। तो तुम भाई तो कुछ कह मत दे रहा, बट भाई सही बता रहा हूँ, बहुत गंदा लगता है यार वो, बहुत गंदा। क्यों अपनी पैंट भाई, पैंट दी है कमर, भगवान ने क्यों दी है कमर, बांध लो भाई पैंट, क्यों भाई नीचे रख रहे हो भाई पैंट, एकदम पतली पतली है चल रहे हम भाई, फ़ायदा कुछ नहीं उनका। इसलिए पैंट को ना ऊपर ही पहनो, हमारे फैशन की माँ बहने करता वो नीचे वाला पैंट, इसलिए कृपया करके पैंट अपने कमर पे पहनो भाई, कहीं और नहीं। बढ़ते अपनी मिस्टेक नंबर 4 की तरफ, और गाइस ये भी नोज और तब गाइस और टीनेजर ज़्यादातर करते हैं, आप पहले करते थे अब थोड़ा कम हो चुका, बट इम्पोर्टेंट है ये भी बताना, तो मैं आपको बताता हूँ। और ये मिस्टेक है डू नॉट वियर सैंडल और स्लीपर्स इन योर जीन्स पैंट। हाँ गाइज सही सुना आपने, इन योर जींस पैंट, बिकॉज गाइज जींस में अगर आप स्लीपर्स और सैंडल पहनेंगे गाइज, ये सब जहाँ गया। अब भाई ट्रेंड के हिसाब से 2020 चल रहा, हलवा नहीं है यार ये 2020, जैसा कि आप देख सकते हैं शोर कितना है, शोर होता रहता है यार। तो गाइज अगर आप कभी भी जींस पहनो तो उस पर शूज़ पहनना इम्पोर्टेंट है, जैसा आपने मैं पहले पॉइंट बताया, पहला पॉइंट में यही बताता है इसी केयर करो, और हमारे इस वाले पॉइंट में मैंने बताया शूज़ पहनो। तो ये स्लीपर्स और ये सैंडल का जमाना गया भाई, अभी नहीं पहनते हम। गाइज ये जो अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट है गाइज, बहुत हमारी पर्सनैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है डू नॉट वियरिंग योर फिटिंग क्लोथ्स। यानी हम अपनी बॉडी के शेप के हिसाब से अपने कपड़े फिटिंग नहीं करवाते गाइज, आप मानो या मत मानो गाइज, अगर हम अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी फिटिंग नहीं करवाएंगे ना, तो हमारा भाई कुछ नहीं हो सकता।
जब हम अपने अपने पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे ना, माँ कुछ नहीं हो सकता भाई। तो इसलिए मैं ये कह रहा तेरे तो जाकर अपनी सारी पैंट सिलवा दे भाई, अपनी बढ़िया बढ़िया पैंट ना, अगर आपको बुरी पैंट है कोई सी भी आप उसे फिटिंग करवा लो, आपकी फेवरेट पैंट रहेगी वो। मैं कह रहा हूँ भाई मेरी भी ये सोचा, इसलिए आप अगर आप फिटिंग कपड़े पहनोगे ना आपका स्टाइल ये लगेगा यार, आप लगोगे कि प्रोफेशनल। वो जो हमारी अगली मिशन है ना, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और ज़्यादातर बॉयज़ तक करते हैं यार, बॉयज़ तो करते ही हैं, हर लोग करते हैं मिस्टेक। और ये मिस्टेक हमारे इस गर्मी के सीज़न में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज प्लीज़, इसलिए ये मिस्टेक आप ना करो जो मैंने भी करी थी। तो मिस्टेक है डू नॉट यूज़ परफ्यूम गाइज, ये मिस्टेक यार अपनी धूल सड़ैली खजूर लगा रहा किसी और को, भाई मत सुनाओ उनकी नाक मत चढ़ाओ भाई। इसलिए मैं कहता हूँ परफ्यूम यूज़ करो, सामने वाले भी प्रेस हो कि हाँ भाई बंदे पास है यार, दम है जिग रहा है और क्या करना रहा। मैं नहीं कह रहा कि भाई गाइज परफ्यूम पर बहुत लोग पैसा खर्च करो भाई, दो दो तीन से हमारा फोन है ये था भाई, हमारे लॉन्ग लास्टिंग है भाई, ठीक है यार परफ्यूम इतना दे भाई, हमें इतनी ज़्यादा परफ्यूम नहीं लगाना कि यहाँ लगा यहाँ लगा, तीन जगह परफ्यूम लगाते हैं यहाँ 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 पर एक कदम बस भाई, ये इंपॉर्टेंट जगह बताइए ना तुमने, और यहाँ पे हमारी खुशबू लॉन्ग लास्टिंग ही रहेगी। परफ्यूम का यूज़ करने का सबसे बढ़िया तरीका बता दिया भाई, बताने जा रहा हूँ ये हमारे टॉपिक से बाहर है, हमारी वीडियो खत्म हो जानी चाहिए बट ये हमारे टॉपिक के बाहर है, बट ये इंपॉर्टेंट इतनी है ना तो मैं वीडियो ख़त्म भी नहीं कर सकता। और ये मिस्टेक है गाइज मास्टरबेशन, यस आपने कहा मास्टरबेशन गाइज, मास्टरबेट एक ऐसी बीमारी, बीमारी कहूँगा भाई से, हमारे लिए हमारे बाल हमारे मुँह हमारे पिंपल देख लो भाई, कहीं पिंपल नहीं है मुँह पे, क्यों मास्टरबेट बहुत कम करता हूँ, मत करो भाई तुम भी मास्टरबेट, हमारी हाइट नहीं बढ़ रही, हमारा बॉडी नहीं बढ़ रही भाई, देख सकते हो आटी चौड़ी है तुम्हारा भाई है भाई। इसलिए अगर आप जो पतले हैं भाई हमारे, कभी आपने देखा कि क्या मैं जो जिम में जा रहे हैं उनके भी पिंपल हो, उनको डैंड्रफ हो रहा हो, उनके भी हेयर फॉल हो रहा हो भाई, नहीं मुझे पता है कि भाई नहीं होता उनकी बॉडी क्यों क्यों बनते भाई, वो अपना जगन्नाथ नहीं करते, ये भोलेनाथ का प्रसार भाई, इसलिए मत करो मास्टरबेट। अगर आपको इससे रोकने की छोड़ने की बहुत चाहिए तो मुझसे कमेंट करो, मैं अपनी वीडियो बता दूँगा। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी, तो गाइस हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करो, उस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो, और ये भी कर देना ओ बोला सॉरी थम्स अप ब्रो। तो गुड बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।